गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. टुडे वी टॉक अबाउट आवर अदर कॉन्टिनेंट्स. ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्क्टिका. अंटार्क्टिका इज कम्प्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फेयर. अंटार्क्टिका पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है और ये एक बहुत काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है. इट इज़ लार्जर देन द कम्बाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अगर मिला दिया जाए तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में, साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में, जो हमारा साउथ पोल है, साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है. इट इज़ परमानेंटली कवर्ड इन थिक शीट ऑफ आइस. ये आइस से कवर्ड है ये जो कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे हमेशा आइस जो है वो जमी रहती है, उसकी एक बहुत थिक लेयर. देर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. और यहाँ पर ह्यूमन का, इंसान का कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर इंसान रहते नहीं है परमानेंटली. यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे रिसर्च करते हैं अंटार्कटिका में, और ह्यूमन के रहने का यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है. इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस हैं यहाँ पर, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री. इसके आगे हम बात करेंगे यूरोप की. यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट में आता है, और यहाँ से जो आपका आर्कटिक सर्कल वाला लैटिट्यूड है